अब तक जो हमने देखा उसमें हमने ये देखा कि लॉन्गेस्ट चेन सबसे बढ़िया जो लेंथ में होता है उनको हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन प्रिफर करते हैं। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट, यस और नो? पोजीशन ऑफ क्या है बताओ? सब्स्टिट्यूएंट अब सब्स्टिट्यूट, अब इसमें क्या होता है, दो तरह होते हैं, दो रूल्स होते हैं। इसमें हमने दो रूल देखे थे, एक था सम रूल जो मैंने आपको सिखाया ही नहीं है, और दूसरा जो था वो था लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट सेट ऑफ सेट ऑफ लॉक एंड रूल। ओके, अब इसमें क्या होता है एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, मैं यहां पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, आप समझना उसको अच्छे, बहुत अच्छे तरीके से समझना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इज इट सो, यस और नो? अब यस मैं सर। देखो, अब मैं दो, अभी अभी भी बाकी है थोड़ा, यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे भी एक कार्बन है और यहाँ पे भी, जैसे कि दो इस तरह से है, इथाइल ग्रुप है। ओके, यहाँ पे नहीं, 10 कार्बन है, देखो तो चित्र एक बार। हाँ सर, 10 है। ओके, अब आप थोड़ा अच्छे से सोचो कि यहाँ पे मैं कौन से नंबरिंग, कौन सी साइड से नंबरिंग दूंगा, मतलब ये वाला रेड वाला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और दूसरी जो मैं नंबरिंग दे सकता हूँ वो कुछ इस तरह से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखो, अगर ग्रीन में कहाँ कहाँ पे ग्रुप आते हैं, ग्रीन में 4 नंबर पे है, +5 नंबर पे है और +9 नंबर पे है। सम कितना होता है बताओ ग्रीन वाले का, कितना? 18, 18, 18 होता है। 18, 1, 8। यस यस सर, सर। 1, 8, 18। ओके, अब मैं रेड वाले का देखो, चलो रेड वाला का सम देखो, 2 प्लस कौन है फिर, ये 6 प्लस 7, बताओ कितना आएगा इसका, 15, कितना आएगा? 15, 15 फिफ्टीन। होगा। तो पहले ये देखा जाता था कि इस तरह से सम करते थे और जिसका सम कम है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते थे, आई बात समझ में? यस लेकिन सर, अब वो यस सर। रूल निकल गया है, अब वो रूल क्या हो गया है, निकल गया है। हमें क्या देखना होता है मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे 4, 5 प्लस कितना आएगा, 9, और यहाँ पे आएगा 2 प्लस 6 प्लस 7। हम ये देखेंगे कि लोवेस्ट सेट कौन सी वर्ड है, कौन सी साइड है, यहाँ पे 4th नंबर पे पहला वाला आ रहा है सेट, यस और नो? यस यस। सर, ग्रीन वाले में 4th पे आ रहा है और रेड वाले में वो कहाँ पे आ रहा है, तो टू नंबर पे। यस हम 2 नंबर को प्रेफरेंस ज्यादा दे देंगे, और गेट इन माय पॉइंट, यस और नो? यस सर। तो ये बात बनती है। तो लो सम रूल हमें देखना नहीं होता है, मोस्टली कौन आता है, हम आज आजकल कौन सा लो देखते हैं, भले ही वो सम रूल फॉलो करे ना करे वो मत सोचो, लोवेस्ट लोकेंट वाला लेना है आपको। अरे बड़ी बात समझ में, यस और नो? यस सर, चलो, यस तो सर। ये वाला था। अब थर्ड वाला जो हम लोग देख रहे हैं, चलो थर्ड वाला कौन सा था वो हम बताएं। तो प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट, ओके है ना? तो इसके लिए हम क्या यूज करते थे बताओ, अगर दो जगह मिथाइल सेम है तो हम क्या करेंगे, कौन सा वर्ड यूज करेंगे? अल्फाबेटिकल, डाई, डाई। अल्फाबेटिकल। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ ओके, अल्फाबेटिकल नंबर अगर एक से ज्यादा है तो हम क्या प्रेफर करेंगे बताओ, अल्फाबेटिकल नंबर प्रीफर करेंगे, अल्फाबेटिकल। यस और नो? ये चीज हमने देखी, हाँ है ना? यस सर। ओके, चलो फिर अगर हम 4th वन देखे तो लिखते रहना है साथ में, गलती मत करना, टेक्स्ट बुक में फिर मिलेगा नहीं है, मतलब ये एमसीक्यू के लिए हमें करना होता है, मतलब ये हमारा फंडामेंटल क्लियर करने के लिए, कोई आपको ऐसा पूछने नहीं वाला कि रूल लिखो, वो सब आपको कंपाउंड दे देंगे, आपको नेम लिखने होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
यस सर ओके फिर हम लोग ये देखने वाले हैं प्रेजेंस ऑफ presence of more than one same substituent ऊपर वाले में same मत रखना same मतलब वही के वही समझ रहे हो बात तब हम क्या करेंगे बताओ अगर एक से ज्यादा same है तो हम लोग क्या करते हैं सपोज दो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है तो इसको और इसको अगर इस तरह से है तब हम इसको क्या लिखते हैं डाई डाइमिथाइल और उसके आगे क्या लिखना है पोजीशन इट्स लाइक वन टू थ्री फोर सो इट्स लाइक थ्री फोर यस और नो क्या लिखोगे आप थ्री फोर डाई मिथाइल और उसमें डी जो है वो अल्फाबेट में कंसिडर नहीं करना होता क्योंकि ये डाई ये दिखा रहा है कि ऐसे दो मिथाइल ग्रुप है भाई दबे आपका ग्रुप है कौन सा तो कि वो मिथाइल ग्रुप है तो बोलते हैं एम गिनना होता है और गेटिंग माय पॉइंट यस सर ओके चलो आगे बढ़े यस सर ओके फिर जो फिफ्थ है वो आप समझो Naming a different substituents वो भी हम आज भी करने वाले Naming a different substituent जो इसके साइड जो साइड चेन में जुड़ते हैं ना कौन सा रूल है हम लोग फिफ्थ क्या आएगा बताओ फिफ्थ रूल क्या आएगा नेमिंग अ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अब मैं आपको बताता हूं ओके अब आपको पता है कि नेमिंग कैसे की जाती है डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट की यस और नो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल वाला सिखाया था मैंने आपको यस सर तो आप इसको क्या नाम दोगे अगर सिर्फ CH3 है तो आप क्या नाम दोगे मिथाइल अगर CH3CH2 अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह तो आप क्या नाम दोगे इसको इथाइल पक्का ना मिथाइल यस सर इथाइल अब देखो प्रोपाइल CH3 CH2 CH2 चलो इसको आप क्या नाम देने वाले थे मिथाइल इथाइल ब्यूटाइल हो गया ये हाय ना यस सर देखो ऐसे अगर हम बात करें तो हम आइसो ब्यूटाइल नियो ब्यूटाइल बोलते थे लेकिन वो अभी हम इस साइड लेने वाले नहीं है हम लोग सिर्फ और सिर्फ कौन सा नोमेनक्लेचर लेंगे IUPAC टाइप मतलब अगर अगर मैं इस तरह से जोड़ रहा हूँ इसको और यहाँ से आपकी मेन ब्रांच और उसके साथ ही जुड़ा हुआ है तब आप क्या सपोज एक्स पोजीशन पे है तब आप क्या करो एक्स फिर आपको ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा बताओ मिथाइल प्रोपाइल ओके इसको है ना हम लोग एक काम करते हैं अलग ही एक रूल दे देते हैं चलो मैं इसका एक अलग रूल दे देता हूँ जैसे कि नेमिंग द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स Naming the complex substituent, ठीक है चलो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब आप थोड़ा सा सोचना और आपको है ना सोचो अगर यहां पे पूरा लंबा कॉम्प्लेक्स है ओके थोड़ा सोचना क्या है ये पूरा कॉम्प्लेक्स है तब क्या होगा तब हमें ये देखना होता है किसके साथ जुड़े हुए हैं गिनो तो कितने हैं 3 3 6 7 8 ओके इनफ है 1 2 और ऐसे 3 है यहाँ पे और यहाँ पे भी 3 है ओके यस अब मैं आपको बात बताऊं एक चीज आपको एक और याद रखनी है एज अ पॉइंट लॉन्गेस्ट चेन रूल में याद रखना लॉन्गेस्ट चेन रूल में अगर टू लॉन्गेस्ट चेन है तब अगर हमारे साथ दो लॉन्गेस्ट चेन है हमारे पास
दो चेन ऐसी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम ही है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, देन प्रिफर, तब उसके बाद हम आगे आएंगे कि प्रिफर मोर ब्रांच्ड, प्रिफर चेन हैविंग अ मोर ब्रांच, प्रिफर चेन हैविंग अ मोर ब्रांच, ये चीज याद रखना, ये थोड़ा सा अभी आएगा। क्या बोला मैंने आपको बताओ, मोर ब्रांच वाली चेन, मोर ब्रांच वाले चेन को प्रिफर करना है। अब आप देखो यहाँ पे अभी मुझे याद आ गया, अगर मैं यहाँ पे सी लिख रहा हूँ और यहाँ पे भी जैसे सी सी और ये सी है, और अगर यहाँ पे भी एक सी है, तब आपको कौन सी चेन लेनी है मैं आपको बताऊ, सुनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी साइड कौन है बच्चों बताओ, सभी साइड कौन है, अभी कौन आ रहा है एग्जैक्टली, 9 9 कार्बन आ रहे। ओके, जब ब्रांचिंग भी सेम हो, नंबर ऑफ ब्रांचिंग, तब आप कहीं से भी दे दो, ओके, तब मिथाइल इथाइल देखना होता है, अगर अल्फाबेट जो है पहले सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेट देखो फिर, ओके, अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो ये वाले में कितना है बताओ, इस वाले में कितना हुआ हमारा, 9 हुआ, ये वाले में पूरा कितना हुआ, ये वाली लाइन ली तो हमने 9 9 ठीक है, फिर ये वाली लाइन लो, ये वाली लाइन लो, इसमें भी कितना हो रहा है बताओ, 9 हो रहा है, इस और ऐसे जाना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेड देख सकते हो ना आप, हाँ सर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, पिंक वाला देखते हैं, अब यहाँ से आगे बढ़ो, वो नहीं दिख रहा है नीचे का, कौन सा नीचे का नहीं दिख रहा है, सब दिख रहा है क्लियर, 9 सर, मिक्स हो गया उधर, कौन, हाँ मिक्स हो गया, लेकिन जब चल रहा है तब तो तुझे पता चला ना सर ने कौन सी लाइन ड्रॉ की, ये वाली लाइन, इसमें भी 9 है, 9 है सर, हाँ तुम सिर्फ गिनो ना जैसे चल रहा है, एक बार गिन लिया, दिख ही रहा है वैसे कहाँ कहाँ से, ओवरलैप होगी तो ऐसा ही होगा, लेकिन वो दिख रहा है क्लियर, यहाँ पे तीनों तीन मिक्स हो रहे हैं वो, ठीक है, अब सुनो, अब सभी जगह 9 है, तब हम क्या करें, अगर जो स्ट्रेट लाइन है जो ब्लू से हमने ड्रॉ कर रखा है, जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे 9 कार्बन है और ब्रांच कितनी है आप बताओ, यहाँ पे ब्रांच कितनी है, 1 यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ब्रांच है 1 एंड 2, यहाँ पे 2 ब्रांच है, आई बात समझ में आपको, जो स्ट्रेट है उसमें, यस सर, अब मैं रेड वाली देखता हूँ, रेड वाला, तो रेड वाला देखो, इसमें 1 2 एंड 3 ब्रांच है, अगर आप सिर्फ रेड वालों की बात करोगे, ये जब नहीं दिखता होगा तो फिर मुझे दिखाना पड़ेगा ना इसको, चल भाई इस रेड वाले की बात कर, चल सर रेड पेन से लिख दो हम समझ जाएंगे, ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला, ओके, ये वाला रेड वाला है, तो देखो ये कौन कौन सी ब्रांच हुई, ये वाली उसके लिए पूरी ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच और ये तीसरी ब्रांच हो गई, तो रेड वाले के लिए कितनी ब्रांच हुई बताओ, कार्बन कितने थे, 9 थे, और कार्बन तो 9 ही थे, लेकिन यहाँ पे 3 ब्रांच हुई, अब मैं आपको पिंक वाला दिखाता हूँ, समझो पिंक, आ जाते पिंक पे, चलो भाई पिंक, ये देखो पिंक, ओए पिंक पिंक कर पहले उसको, हाँ ये देखो ये पिंक वाला, ये वाला है पोर्शन, चलो टोटल नंबर ऑफ ब्रांच देखो कितनी है, ये वाली एक 1 ब्रांच, 4 सेकंड, 4 है सर, 3rd एंड 4, तो पिंक वाला अगर हम लोग देखे तो पिंक वाले में अगर हमें पता चल जाए तो 9 कार्बन एंड 4 ब्रांच है, चलो अब मैं किस ब्रांच को सिलेक्ट करूंगा बताओ, पिंक वाली, ओके, अब बात करते हैं लॉन्ग चेन हमने सिलेक्ट कर दी, पहला रूल हमारा कंप्लीट, पिंक वाली लाइन लेंगे, अब दूसरा जो रूल आता है, अब आप समझो दूसरा जो रूल आता है वो क्या होता है बताओ, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ओके, यहां से अगर हम लोग नंबरिंग देते, एक नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 है, 5 है, 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके, ओके, या फिर उल्टा नंबरिंग देना पड़ेगा, या फिर कैसा नंबरिंग देना पड़ेगा बताओ, उल्टा वाला, 1 2 3 4 5 6
सेवन एट एंड नाइन, आई बात समझ में? अब ब्लू वाला देखे, ब्लू वाला नंबरिंग देखे, तो उसमें सेकंड सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है ना, सेकंड पोजीशन पे कौन है बच्चों? मिथाइल एंड थर्ड पोजीशन पे कौन है बताओ? पूरा प्रोपाइल है, समझ सकते हो ये वाला है पूरा प्रोपाइल। ओके सर, वो फोर्थ पे है ना सर वो तो? हाँ फोर्थ पे, सॉरी 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 फोर्थ पे, ठीक है। अब देखो फिफ्थ और सिक्स्थ, सिक्स्थ पे वापिस कौन है सोचो? सिक्स्थ पे कौन है अभी? सिक्स्थ पे कौन है? पाइल, प्रोपाइल। पक्का ना? यस। थ्री फोर पे प्रोपाइल, सिक्स पे वापिस प्रोपाइल, और फिर कहाँ पे बताओ? फिर सेवन पे कोई नहीं है, एट पे कोई दिख रहा है मुझे, एट पे कौन है बताओ? मिथाइल है। एट पे कौन है? मिथाइल है। ओके अब आप थोड़ा सा सोचो, ये था हमारा ब्लू कलर की लाइन, अब हम किसकी बात करने वाले? हमारे पिंक कलर की। नहीं नहीं, ब्लू की नंबरिंग थी, अब पिंक वाली नंबरिंग। चलो पिंक वाली नंबरिंग में दो पे मिथाइल, फिर फोर पे प्रोपाइल, फोर पे प्रोपाइल, फिर सिक्स पे वापिस कौन है बच्चों? प्रोपाइल है ये, प्रोपाइल है। ओके, फिर एट पे मिथाइल, और फिर कौन सी पे? एट पे वापिस कौन है? मिथाइल। अब आप समझ सकते हो कि दोनों सेम ही है। अब किसी भी ओर से क्या करो, ब्रांचिंग दे दो, यू विल गेट द राइट आंसर ओनली। अब ये सो नंबरिंग ब्लू वाली लो के पिंक वाली लो, नेम में कोई चेंज नहीं आने वाला, वो एक ही नाम है, समझो कैसे। अब ओके, नेम लिखने में क्या करोगे बताओ? देखो 28 डाई मिथाइल होगा एंड 546 डाई प्रोपाइल होगा। एम पहले लिखू कि पी लिखू? एम। तो टू, फिर क्या आएगा? टू टू एट डाई मिथाइल, डाई पहला वाला है तो कैपिटल रहेगा, डाई मिथाइल, मिथाइल। फिर फोर सिक्स डैश, सिक्स पहले नहीं लिखते ना, पहले फोर लिखते हैं, फोर सिक्स, फिर डाई प्रोपाइल, प्रोपाइल, फिर नो नेम, नो नेम। दैट्स व्हाट, दैट्स द अवर आंसर। आगे पूरी बात समझ में? यस। तो ये थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा, जल्दबाजी में आपको गलत होने के चांस पूरे बढ़ जाते हैं, जल्दबाजी में गलत होने के चांस पूरे बढ़ जाते हैं, तो ये चीज याद रखो। अब मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स के नंबरिंग देने की ट्राई कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स को कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है? अब आप समझ सकते होंगे सर, वो रूल्स सारे खत्म हो गए कि अभी बाकी है तो लिखने का पता चले ना? एक रूल्स बाकी है, एक और दो रूल्स और बाकी है। ओके तो लेकिन वो इसमें आ जाएंगे, तो तू साथ में ही लिखते आ जा, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो आप, अगर कुछ इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया यहां पे, तब इसका नॉमेनक्लेचर आप कैसे करोगे सोचो। अब ये जो है आपकी लॉन्ग चेन, आप ढूंढो, चलो कौन सी होगी ढूंढो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। आ रही बात सुन में? उल्टी नंबरिंग दो, उल्टी नंबरिंग, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और यहाँ से फिफ्थ पे आ रहा है और यहाँ से सिक्स पे आ रहा है, कौन सी साइड से देनी चाहिए मुझे? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से? लेफ्ट हैंड साइड से देनी चाहिए। यस, तो ये वाला हमने राइट ही लिखा, राइट? यस। अब हमारा जो ग्रुप है वो कौन सा जुड़ा हुआ है? अब हमारा जो ग्रुप है पूरा कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऐसे हमें पता चल गया। ये कौन सा आपको समझ में आ जाने चाहिए? वन टू थ्री फोर कार्बन है और पीछे पूछ है, आइसोब्यूटाइल। आइसो पहले सब आइसोब्यूटाइल लिखते थे, अभी भी कई सर इसको आइसोब्यूटाइल लिखते हैं, लेकिन आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसको हम वन नंबरिंग देंगे, इसको टू देंगे और इसको थ्री देंगे। अभी हमारे सब ब्रांच की नंबरिंग है, जो मेन ब्रांच से जुड़ा हुआ है ना, हमारी मेन ब्रांच कौन सी होगी बच्चों बताओ? अभी ऊपर की लॉन्ग चेन वाली, ये वाली हमारी मेन ब्रांच हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। तो उस से जुड़ा है ना, उस कार्बन को कंपलसरी फर्स्ट नंबर देना है आपको, और वहीं से लॉन्ग चेन ढूंढनी है,
ओके अब इसका तो वन दे दिया, अब आप वन टू थ्री ऐसे लिखो या ये थ्री यहाँ पे लिखो, दोनों सेम ही होगा। ओके यस, तो ये वाली ब्रांच हो गई हमारी लॉन्ग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। फिर हम वापिस रूल लगाएंगे कि ये हमारी ब्रांच हो गई, टू पे क्या आ गया मिथाइल। तो इसका नेम जब लिखेंगे, कई बच्चे वन डैश टू डैश लिखते हैं तब भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम इसको ब्रैकेट में इसीलिए लिखते हैं कि ये सब ब्रांच है, हमें इसको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में। आई बात समझ में आपको? इसका होगा यस सर, टू डैश मिथाइल प्रोपाइल होगा ना। हाँ, अगर आपको डैश नहीं करना चलेगा, तब ब्रैकेट तो है ही है, तो ब्रैकेट क्या इंडिकेट करेगा, ये पूरा बंच है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। मिथाइल फिर क्या आएगा? प्रोपाइल। स्पेस आएगी? नो सर, नहीं आएगी। टू डैश मिथाइल प्रोपाइल, ये कौन से नंबर पे है? मेन, आपकी मेन ब्रांच के कौन से नंबर पे? तो फाइव नंबर पे तो डैश कर दो, ब्रैकेट टू डैश इथाइल ब्यूटाइल। ओके सॉरी, मिथाइल प्रोपाइल। आई बात समझ में? यस सर। ओके फिर, और कुछ तो है ही नहीं, तो डेकन लिख दो डायरेक्ट ऐसे सर। इसमें मिथाइल कैम, इसमें मिथाइल कैम कैपिटल आएगा? मिथाइल का हाँ कैपिटल एम आएगा ना, पहला वाला हाँ आएगा। और सर प्रोपाइल का पी कैपिटल नहीं आएगा ना? नहीं, पी नहीं आएगा, कैपिटल स्मॉल होगा, होगा लिखने में थोड़ा ऐसा हो गया, पहला वाला ही होता है। ठीक है, ये सुनो। यस सर। पक्का? यस सर। चलो आगे बढ़े। अगर यही कॉम्प्लेक्स वापिस आता, चलो अगर यहीं पे है ना, चलो ये वाला आपने लिख लिया पूरा अच्छे से? यस सर, लिखा। ओके अब मैं आपको, चलो बच्चों आलस मत करना भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजा आएगा इसमें। सुनो अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर मैं यही कंपाउंड लूं और इस ओर वन टू एंड थ्री हमारे कार्बन, और यहां पे एक मिथाइल रख रहा हूं मैं, सुनो यहां पे, यहां पे एक एक बढ़ा देता हूं, तो क्या वन टू थ्री फोर, एक काम करता हूं यहां पे भी एक बढ़ा देता हूं, तो क्या लॉन्ग चेन यही रहेगी हमारी। चलो ओके अब आप सोचो, इसमें सबसे पहले लॉन्ग चेन ढूंढने की ट्राई करेंगे, ये वाले भूल जाना आप। एक काम करता हूँ, येलो वाली नंबरिंग भी हटा ही देता हूँ आपको, लास्ट तक करवा देता हूँ। चलो येलो वाली नंबरिंग भी हटा दी, ठीक है? यस और नो? अब देखो दोनों वाली चीज हटा दिए, वन टू थ्री और ये दोनों। हाँ अब आप थोड़ा सा सोचो, इसमें लॉन्ग चेन ट्राई करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ऐसे अगर जा रहे तब तो नाइन ही हो रहे कार्बन, समझे? चलो यस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, अगर इस ओर जा रहे तो कितने हो रहे बच्चों? टेन हो रहे, टेन हो रहे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ओके ऐसे ट्वेल्व हो रहे। हाँ तो लंबी वाली चेन हमें ढूंढनी होती है, तो वो हमने ढूंढ ली, हाँ है ना, ये वाली चेन। यस, अब हमें नंबरिंग देनी है, इस ओर से नंबरिंग देंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पे आ रहा है, और इस ओर नंबरिंग सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, तो अगर इस ओर से नंबरिंग देते हैं पिंक वाला, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, अगर आप देखो दोनों साइड से सेम है, लेकिन बात यह है फिर हम ये देखेंगे कि पहले कौन सा ग्रुप है, मिथाइल इथाइल में का अल्फाबेट देखेंगे, लेकिन सर यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स ग्रुप है और यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स ग्रुप है। ओके तब हमें क्या करना होता है, अगर दोनों साइड कॉम्प्लेक्स ग्रुप है तो तब हम क्या करेंगे, अभी हमने देखा ऐसा दोनों सेम ही है सर, दोनों कॉम्प्लेक्स ग्रुप आप देख सकते हो सेम है सर, हाँ वो बात तो है, समझे आप? यस और नो? यस यस। तब आप इसको कहीं से भी नंबरिंग दे सकते हो, यहाँ पे जो छह नंबर पे और सेवन नंबर पे आ रहा है वो येलो वाले के भी छह और सेवन पे आ रहे हैं, मतलब आप अगर इसको पूरा ऐसा इसको क्या कर दो 180 पे रोटेट कर दो, फिर भी कंपाउंड का चेंज नहीं होने वाला, यही रहने वाला है। अरे ये बात समझ में आपको? यस सर।
तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें नंबरिंग देनी है, आपको जो पसंद आए हो, पिंक या येलो बोला, कौन से नंबरिंग रखूं? येलो, चलो येलो रखते हैं। तो येलो पे सिक्स नंबर पे देखो कौन है, सिक्स नंबर पे सर पूरा ये वाला ग्रुप है, और सेवन नंबर पे कौन है सर, उसमें भी पूरा ये वाला ग्रुप है ना? यस सर। अब ऐसा अगर देखने जाए तो आइसोब्यूटाइल है दोनों, है ना? हाँ सर। अब मैं आपको एक बात बताऊं तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, सिक्स नंबर पे कौन है बताओ, वन सर, उस सेम कर दे तो सिक्स सेवन करके, हाँ सिक्स सेवन दोनों साथ में लिख दे तो लिखेंगे ना, लिखूंगा लिखूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा रूल चेंज है, मैं आपको सिखा रहा हूँ ना। सिक्स पे कौन है पहले वो बता, वन टू थ्री, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टू फिर क्या लिख दू बता, टू मिथाइल प्रोपाइल डैश करके, टू मिथाइल प्रोपाइल, टू के बाद डैश आएगा ना? हाँ टू के बाद डैश आएगा, टू डैश मिथाइल प्रोपाइल। ओके, अब आप थोड़ा सा ये समझो कि क्या बात हो रही है एग्जैक्टली, अगर आप समझो तो ये दोनों देखो सेम ही है ना? यस सर। यस, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ना, तब हम डाइट्राई नहीं लिखते बच्चों, तब हमें क्या लिखना होता है, बीस ट्रिस। सर क्या लिखना होता है, बीस ट्रिस, समझाता हूं मैं आपको, ऐसे सिक्स सेवन बीस, और पहले बीस लिख दो, हम ऐसे लिखते हैं ना डाई, वन टू थ्री, ऐसे नहीं लिखते थे हम डाई, उसी तरह सिक्स और सेवन पे बीस लिखना है आपको, सिक्स और सेवन पे बीस कौन है, मतलब सर हम उसमें डाई लिखते हैं, उसके जगह पे आप बीस लिखना है। हाँ बीस और ट्रीस, ट्राई की जगह ट्रीस लिखना है, वन वन डाई सर, वन वन थोड़ी है, सॉरी 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 सॉरी, टू मिथाइल है, टू और एक भी टू मिथाइल, फिर क्या है बताओ, प्रोपाइल, प्रोपाइल फाइव सिक्स सेवन बीस, टू मिथाइल प्रोपाइल, यहाँ पे एम क्या है स्मॉल आ जाएगा, अभी बी की बी कैपिटल, इसलिए समझे बात, और फिर क्या है डोडेकेन रखना पड़ेगा ना? यस सर, यस सर, okay is it clear, yes or no? yes sir। अब सुनो एक बात बताओ, यहाँ पे हम 20 को है ना उसमें नहीं गिनते अल्फाबेट में, लेकिन इस m को गिनना पड़ेगा, क्यों, इस पूरे का अगर नेम देखे तो ब्रैकेट वाला पूरा उसका नेम ही है, अंदर जो भी है यहाँ पे अगर ब्रैकेट के अंदर डाई है तब उसको गिनते हैं, समझा था कैसे, ये आपने लिख लिया इतना सर, एक मिनट रुको। और यहाँ पे लिख दो नोट करके, लिख दो एक नोट करके लिखो, नीचे नोट करके लिखो, फॉर अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फॉर अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जिस वजह से ब्रैकेट बनाने पड़े उनके लिए, फॉर अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या आएगा, फॉर अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट यूज बीस ट्रीस, ओके यस ऑर नो, एंड टेट्राकिस, टेट्राक्सी, फोर के लिए, ये दो के लिए, ये तीन के लिए, और ये फोर के लिए, चलो तब ये बात हमें अच्छे से ध्यान में रखनी है, ओके okay? और यहाँ पे 20 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर अगर डाई है तो उसको काउंट करेंगे, कैसे मैं समझाता हूँ आपको, पहले आपने लिख लिया ये कॉम्प्लेक्स वाला? हाँ सर लिखा। ओके आगे बढ़ू मैं अभी? यस सर। चलो डन, यस बहुत ही मस्त है अभी,
अब आप सोचना, अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड में ड्रॉ कर दो, तब आप डर जाओगे क्या? नहीं, इसमें पहले लॉन्ग चेन देखो, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रेट चेन है, एक कार्बन है यहाँ पे भी एक कार्बन है, और ऐसे कर दिया मैंने। अब आप थोड़ा सा सोचो, अगर इसका नॉमेनक्लेचर आपको करना है तब आप शांति से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि 4 मिनट बाकी है, हो जाएगा शायद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 8, 9, 10, 11 and 12 है। अरे ये बात समझ में आपको? यस और नो? यस सर। अब इससे कोई लॉन्ग चेन हो सकती है तो आप अभी भी देख लो, और जिसमें ज्यादा ब्रांच हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही हो रहा है यहाँ तो, यार मुझे तो यही दिख रहा है आपको कोई। सर एक काम करो, ऊपर वाला देखो, अरे आप यहां से लोगे तो थर्ड नंबर पे ही थे, यहां से लगो तब भी थर्ड नंबर पे ही था ले, दोनों पुट सेम ही है, सेम ही है। नीचे से लो, यहां पे भी आप इस कार्बन से गिनो कि इस कार्बन से गिनो, सेम ही होगा। चलो अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग देता हूँ, चलो बच्चों रेडी हो ना सब। यस सर। ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स, ए सेवन, ए एट, ए नाइन, ए टेन, इलेवन एंड ट्वेल्व। ओके आप देखो नंबरिंग इस ओर से देता हूं, इस ओर से 2 नंबर पे मिथाइल आ गया, यस और नो? यस सर। रेड वाले में 2 नंबर पे कौन आ गया? मिथाइल आया। दिख रहा है ना आपको क्लियरली? हाँ सर। यस। आगे अगर मैं येलो वाली नंबरिंग दू तो 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 नंबर पे इथाइल आ रहा है और यहाँ पे 2 नंबर पे मिथाइल आ रहा है। चलो अकॉर्डिंग टू द लोवेस्ट लोकेंट व्हिच साइड शुड बी चूजन? लेफ्ट हैंड साइड। नो इट्स रेड और येलो, टेल मी। रेड। रेड ओनली। ओके आफ्टर सिलेक्टिंग इट रेड, आपको हर बार पोस्टमार्टम करना है, सेकंड नंबर पे कौन है वो बताओ। पोस्टमार्टम मींस वन बाय वन आगे बढ़ना है। सेकंड नंबर पे कौन है? मिथाइल है। जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। थर्ड नंबर पे कौन है बताओ? एक सेकंड ना, मुझे एक और चीज यहाँ पे पुट करनी है, प्लीज डोंट लाइक डोंट वरी। यहाँ पे मैं एक और मिथाइल ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, 4 पे आपको समझाने के लिए, डोंट वरी। चलो 4th नंबर पे और मैंने कौन डाल दिया बताओ? मिथाइल। चलो ओके डन। अब आप थोड़ा सा समझो बच्चों, 2 नंबर पे मिथाइल, 4 नंबर पे मिथाइल, 6th नंबर पे क्या आएगा थोड़ा अच्छे से बताओ। आइसोब्यूटाइल आएगा ना सर, तो 2 डेज मिथाइल प्रोपाइल। अरे बहन आइसोब्यूटाइल नहीं है और आइसो लिखना भी नहीं है, वो कॉमन नेम होता है, आईयूपीएसी थोड़ा होता है। वन तो बाद में बोला ना, 1-methyl propyl। हाँ, 1-methyl तो सर बाद में बोला मैंने कि उसको ये भी बोलते हैं, पर अगर पहले गलत बोल गया तो फिर सबका मतलब डाइवर्ट हो जाता है ना माइंड। 7 नंबर पे भी क्या है देखो, 7 नंबर पे ये देखो, 7 नंबर पे यहाँ पे अगर 1, 2, 3 नंबरिंग दे इस पूरे ब्रांच की, तो 1 नंबर पे यहाँ पे भी कौन है? 1-methyl propyl है। फिर कौन से नंबर पे बताओ? 10 नंबर पे कौन है बताओ? 10 नंबर पे कौन है? इथाइल है। अब अच्छे से समझना आप, सुनो, इस ब्रैकेट के यहाँ पे एम है, यहाँ पे भी एम ही है, मिथाइल मिथाइल ही है, तब पहले किसको प्रिफरेंस मिलेगी वो बताओ। अब देखो यहाँ पे इथाइल को, अब लिखेंगे कैसे हम लोग, 2 फिर कौन है 4, और सबसे पहले तो ई आएगा, ए बी सी डी ई है ना। 10 नंबर पे पहले लिखो, 10 नंबर पे कौन आएगा? इथाइल। नेक्स्ट अगर एक खत्म हो जाए वीडियो तो टेंशन मत लेना, नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट होगा, डोंट वरी। 10 नंबर इथाइल, फिर 2, 4 डाई क्या आएगा बताओ? 2, 4 डाई मिथाइल, फिर कौन आएगा?
सिक्स सेवन। लेकिन बीस को हमें गिनना नहीं होता है, यही बात समझे? बीस फटाफट बोलो। वन मिथाइल प्रोपाइल डोडेकेन